हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमस्ट्रीम पर। आज हम कक्षा दसवीं में आयु पर आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं। आयु पर आधारित प्रश्न आपको जो तरीके से पूछा जाएगा वो ये है कि आपको सीधा प्रश्न दे देगा कि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु और 5 वर्ष पूर्व की आयु या 2 वर्ष पूर्व की आयु या 2 साल पश्चात की आयु, तो पूर्व और पश्चात में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पूर्व मतलब पहले, यानी आपको घटाना होगा, पश्चात यानी बाद में, यानी आप उसमें जोड़ेंगे। तो प्रश्न के हिसाब से हम इसको और अधिक अच्छे समझ पाएंगे। देखिए प्रश्न हमको क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज नोट करने बोलूंगा, हमारा जो अध्याय है वो एक चर का द्विघात समीकरण है। तो आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ व्यक्ति है और पुत्र है, तो हमको 2 चर लेना पड़ेगा क्या, एक्स और वाई लेके बनाएंगे क्या? तो बिल्कुल ऐसे नहीं बनाना है। आप x लेंगे अगर व्यक्ति को, तो पुत्र को भी x लेकर ही बनाना पड़ेगा। y लेंगे अगर व्यक्ति को, तो पुत्र को भी y लेकर बनाना पड़ेगा। तो देखिए बनाएंगे कैसे, व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। अब एक चीज आप समझेंगे, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि हमारे पास 2 लोग हैं। अब इन दोनों को जोड़ने पर हमारा जो आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए और मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों 20 वर्ष के हैं। हमारे पास कोई ए है और बी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 वर्ष हुआ। अब यदि आपको मालूम है कि ए हमारा 10 वर्ष का है, तो बी हमारा कितना हो जाएगा, 20 ऋण 10, यानी बी भी हमारा कितना है, 10 वर्ष का। अब इसी को थोड़े अलग ढंग से देखते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आयु होगी अगर x और उसके पुत्र की आयु हमको नहीं मालूम, तो पुत्र की आयु कैसे निकालेंगे, हमको जो योग दिया रहेगा उसी में हमको उस व्यक्ति को घटा देना है। फिर से आप देखिए, दोनों का योग 45 वर्ष दिया हुआ है, हमने व्यक्ति को x मान लिया या पुत्र को, किसी को भी आप ले सकते हैं। तो मान लेते हैं व्यक्ति को हमने x मान लिया, तो इस x को यदि मैं इस योग में 45 में घटाऊंगा तो पुत्र की आयु निकलेगी, और अगर हम x को पुत्र लेके चलेंगे तो 45 ऋण x करने पर पिता की आयु निकलेगी। इस तरह से प्रश्न को समझना होता है, प्रश्न को हल करना होता है, यदि हमारा एक चर का द्विघात समीकरण अध्याय है तो। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। माना व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु दिया हुआ है, तो मान लेते हैं हम पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष है, तो पिता की क्या होगी, देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो इसको आप पिता ले सकते हैं यानी व्यक्ति, या इसको आप पुत्र ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। तो देखिए व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, 45 ऋण x, क्योंकि हमें दोनों का योग दे रखा है, इस तरह से आपको लेना है। अब उसके बाद आगे चलिए, क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, ये हमने बना लिया। अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब होता है 5 साल पहले, तो क्या रहा होगा, देखिए 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब आपको क्या करना है, घटाना है। तो किस में घटाएंगे, वर्तमान आयु में घटाएंगे ना जी। देखिए पुत्र की वर्तमान आयु अब क्या होगी, हमारा x था, इसमें आपको 5 घटा देना है। व्यक्ति की आयु क्या थी, ये हमारा हुआ 45 ऋण x है, अब इसी में आपको 5 घटा देना है, क्यों, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है इसलिए। अब देखिए इसको और अधिक हल करेंगे तो 45 में 5 घटेगा तो ये आया 40 ऋण x। अब क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है, दोनों की आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो रहा है, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है। तो प्रश्नानुसार आप लिखेंगे इन दोनों की आयु का गुणनफल x ऋण 5 गुणित 40 ऋण x, इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, व्यक्ति की आयु का 4 गुना है। अब व्यक्ति कहाँ है, देखिए व्यक्ति ये है, अब इसी का हमारा कितना हो रहा है, 4 गुना, तो 4 गुना होगा व्यक्ति की आयु, 40 ऋण x।
अब इस समीकरण में आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारे पास सभी के पास सिर्फ एक चर है, यानी सभी में या तो x है, अगर आप इसको y लेंगे तो y होगा। अब इसको आपको हल करना है, तो x इन दोनों के साथ गुणा होगा, तो x को 40 के साथ गुणा करेंगे 40x, x को x के साथ गुणा करेंगे ऋण x का वर्ग हो गया। अब ये 5 इन दोनों के साथ गुणा होंगे, तो 5 चौक 20 यानी 200 हो गया। अब उसके बाद ये ऋण ऋण माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x हो गया, 4 गुणित 40 160 हो गया, 4 को x से गुणा किए तो 4x हो गया। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऊपर को हल किया और कुछ नहीं। अब आपको क्या करना है, आप सभी को इस ओर पक्षांतर कर लीजिए, तो ये 40x ऋण x का वर्ग 200 5x, ये 160 इस ओर आएगा तो ऋण 160 हुआ, ये ऋण 4x इस ओर आएगा तो धन 4x हुआ, बराबर 0, क्योंकि हमने सभी को इस ओर पक्षांतर कर लिया है। अब उसके बाद देखिए, जो हाईएस्ट वर्ग होगा यानी अधिक घात जिस पे होंगे वो सबसे सामने रहेगा शुरुआत में, तो ऋण x का वर्ग सबसे शुरू में हो गया। अब उसके बाद घटते क्रम में लिखते हैं, तो ये हमारा 40x, फिर ये 5x, फिर ये 4x आया। अब उसके बाद ऋण 200 ऋण 160 ये बचे हुए हैं ना जी, ये हो गया 0 के बराबर। अब आपको इसको हल कर लेना है, तो ये x का वर्ग हो गया। अब 40 5 45 और 4 49 ये सब के सब आपस में जुड़ गए। अब ऋण ऋण माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन इनका चिन्ह बड़ा है, 200 बड़े हैं, तो यहाँ पे आपको ऋण लगा देना है। 200 और 160 आपस में जुड़ेंगे तो ये हो गए 360। अब हमको क्या करना है, इसके मध्य पद को तोड़ना है, लेकिन उसके पहले आपको ध्यान देना है कि x का वर्ग के सामने में कभी भी ऋण चिन्ह नहीं होगा, तो आपको इन सभी के चिन्हों को परिवर्तित कर देना है, बदल देना है। तो यहाँ पे अगर ऋण है, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। ये हमारा आ गया समीकरण। अब इस समीकरण को आपको दो संख्या में तोड़ना है, जिसको गुणा करेंगे तो 360 आए और जोड़ने या घटाने पर 49 आए। तो इसका हम मध्य पद को यहाँ तोड़ेंगे और जो x मान आएगा उससे हम इनके वर्तमान आयु को ज्ञात कर लेंगे। अब इनके मध्य पद को तोड़ेंगे, तो मध्य पद को तोड़ने पर ये 40 और 9 में टूटेगा, क्योंकि 40 को 9 से गुणा करेंगे तो 360 होगा और 40 को 9 में जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये 40 हो गया और 9 हो गया, क्योंकि ऋण ऋण धन होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो चिन्ह है वो बड़े का चिन्ह, तो यहाँ हमारा बड़ा चिन्ह हो गया। अब उसके बाद ये 360 को आपको लिख लेना है। आपने दो संख्या में तोड़ा, 40 और 9, 40 को 9 से गुणा करने पर 360 आया और 40 को 9 में जोड़ने पर 49 आया। मध्य पद को हमने तोड़ना सीखा है, उसी से हमने मध्य पद को तोड़ा है। अब उसके बाद क्या करना है, दोनों में आपको कॉमन लेना है, तो ये x कॉमन आ गया। अब x एक बाहर हो गया और दूसरा हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये 40 बचा हुआ है। अब x माइनस 40 को आप यहाँ पे लिख लीजिए, x ऋण 40, ऐसे इस प्रकार से। अब 40 को 360 कैसे बनाएंगे, 9 से गुणा करके बनाएंगे, 9 चौक 36 360। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो अगर इस माइनस को माइनस के साथ गुणा कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब x इसमें से है ही नहीं कॉमन। अब आपको क्या करना है, दोनों में जो एक समान होंगे उसको एक बार ले लेना है, तो x ऋण 40 आपने एक बार ले लिया। अब दूसरे में क्या हो रहा है, x ऋण 9, अब ये 0 के बराबर और ये 0 के बराबर, तो ले लीजिए फटाफट। क्या क्या है जी, देखिए x ऋण 40 बराबर 0, x ऋण 9 बराबर 0। ये ऋण उस ओर पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x का मान आएगा 40 और दूसरा हमारा क्या मान आ रहा है, देखिए दूसरा हमारा x का मान आ रहा है 9, क्योंकि हमने इसको इस ओर पक्षांतर कर दीजिए और इसको इस ओर पक्षांतर किए। अब देखिए क्या हुआ, x का मान 40 आ गया, x का मान 9 आ गया। तो यदि आप x का मान 40 लेंगे,
अब याद कीजिए हमने वर्तमान आयु क्या क्या लिया था। तो वर्तमान आयु हमने लिया था, ये हमारा जो पूर्व में लिखे थे वो था कि पुत्र की वर्तमान आयु x और व्यक्ति की वर्तमान आयु 45 माइनस x, उसी को हमको निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर x का मान 40 लेंगे, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा फनी हो सकता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x का मान यदि हम 40 लेते हैं तो पुत्र की आयु 40 हो गई और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, देखिए 45 ऋण 40, व्यक्ति की क्या हो जाएगी 45 ऋण 40, तो 5 वर्ष आ गया। अब व्यक्ति 5 वर्ष का होगा, पुत्र 40 वर्ष का होगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हमको क्या करना है, x का मान 9 लेके चलना है। x का मान अगर 9 लेंगे तो ध्यान दीजिए पुत्र की आयु हो गई 9 वर्ष, और आप इसमें 9 को घटा दीजिए तो व्यक्ति की आयु हो गई 36 वर्ष। ये हमारे हल हुए। इस प्रकार से हमको प्रश्न को बनाना होता है। तो पुत्र की अंतिम में जो हमारा वर्ष आया, क्या ज्ञात करना था, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु पुत्र का होगा 9 वर्ष और व्यक्ति का होगा 36 वर्ष, यही हमारा अभीष्ट हल है। अब देखिए दूसरा प्रश्न उम्र पर आधारित। नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु, ध्यान दीजिएगा, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है, उस स्थिति में नीलमणि की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए ये हमारा 2 भाग में है, ध्यान से समझिएगा, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु को आप निकाल लीजिए। तो हमको मालूम ही नहीं है कि नीलमणि की वर्तमान आयु क्या है, तो नीलमणि की वर्तमान आयु हमने एक्स मान लिया। तो नीलमणि की वर्तमान आयु एक्स मानने पर देखिए 5 वर्ष पूर्व की आयु, नीलमणि की आयु लिख सकते हैं, वर्तमान आयु लिखना जरूरी नहीं है, वर्तमान लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 5 वर्ष पूर्व आपको दिखाना है। तो क्या होगा, नीलमणि की आयु, क्योंकि आपने लिख दिया ना जी 5 वर्ष पूर्व, तो बार बार उसको नहीं लिखना है। नीलमणि की आयु क्या होगी, अगर वो अभी 20 साल की रही होगी तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी, पूर्व मतलब घटाना है, तो 5 साल पहले अगर घटा देंगे तो 20 में 5 घटाएंगे तो 15 हुआ ना। वैसे ही अगर वो x है तो इसमें हमको 5 घटा देना है, क्योंकि ये 5 वर्ष पूर्व। अब आगे देखिए 8 वर्ष पूर्व, अब 8 वर्ष पूर्व बोल रहा है नीलमणि की आयु, ये 5 वर्ष पूर्व की आयु है, अब हमें 8 वर्ष पूर्व की आयु देखनी है। तो 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु क्या होगी जी, 8 को घटा देंगे। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, फिर से रिपीट करते हैं, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु ये हो गया तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु ये हो गया। अब दोनों का क्या हो रहा है, दोनों का गुणनफल 40 है बोल रहे हैं, यानी आप इसको और इसको, इन दोनों को गुणा करने पर 40 प्राप्त होगा, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो दोनों को आप गुणा कर दीजिए, यहां पे आप लिखना नहीं भूलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, दोनों का गुणनफल ये आपका आ रहा है 40 वर्ष के बराबर, 40 है बोल रहा है, इतना हमारा हो गया। अब इसको हल करना है, तो हल कर दीजिए, x को इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, x x के साथ गुणा होगा तो x का वर्ग हो गया, x को 8 से गुणा करेंगे तो ऋण 8x हो गया। संख्या को पहले लिख दीजिए, ABCD को बाद में लिख दीजिए, तो ये हमने संख्या पहले लिख दिया, ABCD x बाद में लिख दिया। अब ऋण 5 को x से गुणा करेंगे, ऋण 5x, ऋण 5 ऋण 8, ऋण 5 ऋण 8, माइनस माइनस होते हैं प्लस, 5 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 40। तो कितना आ गया देखिए, ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ गया 5 × 8 = 40, और वो भी कौन सा, धन वाला, और उधर 40 है ही हमारे पास। अब आपको इसे हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, देखिए ये हो गया x का वर्ग ऋण, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 8 × 5 = 13। अब ये धन 40 है, उस ओर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो गया ऋण 40, ये दोनों आपस में कट गए। अब उसके बाद क्या बचा, x का वर्ग
ऋण 13x बराबर शून्य। अब आप यहाँ बोलोगे कि सर हमारे पास तो अचर संख्या है ही नहीं, यानी 1, 2, 3, 4 वाले संख्या बचे ही नहीं, तो हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों में कॉमन निकाल देना है, उभयनिष्ठ निकाल देना है। तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, आप एक्स को बाहर ले लिए। अब क्या बचा आपके पास, एक्स एक बचा, यहाँ पे ऋण और 13 बचा, ये शून्य के बराबर हो गया। अब देखिए ये एक्स शून्य के बराबर हो गया, अब दूसरा में क्या हो रहा है जी, एक्स ऋण 13 शून्य के बराबर होगा ना। हमने क्या किया, इन दोनों को गुणा के रूप में है ना, देखिए थोड़ा सा इसको और, एक्स गुणित एक्स ऋण 13 कुछ इस तरह से है, कोष्टक है मतलब गुणा के रूप में है, तो ये एक्स शून्य के बराबर हुआ, ये एक्स ऋण 13 शून्य के बराबर हो गया। तो एक्स शून्य के बराबर, एक्स ऋण 13 शून्य के बराबर, तो इसका कोई मोल है ही नहीं, एक्स जीरो के बराबर हो गया, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। दूसरा देखिए, ये हमारा ऋण 13 शून्य के बराबर, अगर ऋण 13 उस ओर ले जाएं तो क्या होगा, धन 13, यही हमारा उत्तर है। यानी आप बोलोगे कि नीलमणि की वर्तमान आयु 13 वर्ष है। इस प्रकार से हमको वर्ष पर आधारित प्रश्न को हल करना होता है। इसमें आपको जाने योग्य यही बातें हैं कि पूर्व बोलेगा तो माइनस ही होगा, घटाना ही है, उसके बाद पश्चात बोलेगा या बाद में बोलेगा तो उसमें आपको जोड़ना होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।